हेलो एवरीवन, मैं कविता स्वागत करती हूं आप सभी का टीचर्स फैक्ट्री चैनल पर। आज हम जानेंगे सीटेट एग्ज़ाम 2024-25 जो आपका होने वाला है दिसंबर या जनवरी में, तो उसमें आपको पेपर किस तरह से सॉल्व करना है ये सब हम जानेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, पेपर आपके पास जब पेपर आता है तो उसे आपको किस तरह से सॉल्व करना है ये हम देखेंगे। पेपर फर्स्ट के लिए अप्लाई करेंगे या फिर आप पेपर सेकंड के लिए अप्लाई करेंगे, तो जो भी आपका पेपर आता है आप जानते हैं ऑफलाइन पेपर आपका होता है, ठीक है। तो OMR सीट आपको दी जाती है, उस पर फिल करना, उसमें मतलब गोले हमें फिल करने होते हैं, ठीक है, सर्कल। तो उसमें क्या है, किन क्वेश्चन को हम पहले करें, किन को बाद में करें, ये सब हम जानेंगे। देखिएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे या फिर मैथ के हो सकते हैं और भी दूसरे सब्जेक्ट के भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं। लाइक आप पैसेज समझ सकते हैं, जो पैराग्राफ आते हैं वो थोड़े ज़्यादा हमें समय मतलब लेते हैं, तो उन चीज़ों को आपको बाद में करना है। चार पैराग्राफ इसमें आते हैं, तो चार पैराग्राफ जो भी आते हैं उन्हें आपको बाद में करना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पैराग्राफ को आपको बाद में करना है। पहले उन क्वेश्चन को करना है जो कम समय में आप कर सकते हैं, क्योंकि जिन में कम टाइम लगेगा और आप ज्यादा कर पाएंगे, ठीक है। अगर कम टाइम में आपने ज्यादा क्वेश्चन कर लिए तो आपके माइंड में मतलब एक जो एक्स्ट्रा टेंशन रहती है वो खत्म होती जाएगी कि हाँ इतने क्वेश्चन तो हमारे ऑलरेडी हो ही चुके हैं। लेकिन अगर आप पैराग्राफ इनमें उलझ गए और टाइम उसमें ज्यादा लगा आपको, तो क्या होता है, फिर आपको टेंशन होगी और टेंशन में फिर आंसर हमारे गलत होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या होगा, ये चीज़ आपको नुकसान दे सकती है, इसलिए आपको पहले वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं और जो कम टाइम आपका लेते हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चन को हम करते जाएंगे, और जहाँ भी हमें ऐसा क्वेश्चन जैसे मैथ में देखने को मिल सकता है, कोई सी भी जैसे सीरीज आ गई आपके पास, 3, 2, 4, 9, 16 25 ऐसे सीरीज आ गई, ठीक है। अब इसमें आपको 9 की जगह यहाँ पर 10 लिखा है, ठीक है, और आगे का ये वाला पूछा है आपसे। अब देखिए, हमें पता है ये सब क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है। अब यहाँ पे मिसप्रिंट भी हो सकती है उनसे, जैसे कि यहाँ पर 9 की जगह, यहाँ 9 की जगह 10 लिखा हुआ है, ये मिसप्रिंट है हमें पता है, क्योंकि यहाँ पर 3 का स्क्वायर होना चाहिए था, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का, ये 3 का होना चाहिए था, यहाँ 4 का या 5 का, तब जाके हम यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 लिख पाएंगे, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, तो एक ईजी सा क्वेश्चन है इसमें, है ना, थोड़े से ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं थोड़े से हार्ड, जहाँ हमें मतलब मिस्टेक फाइंड ही नहीं कर पाते हम। तो क्या होता है, इसमें हम उलझ कर रह जाते हैं और ज़्यादा टाइम हम इनमें दे देते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा और हमारा आंसर भी गलत आएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो गलत मिसप्रिंट हो जाते हैं, तो फिर क्या होगा, मिसप्रिंट होगी तो वो तो क्वेश्चन आगे जाके वहीं से डिलीट होंगे, लेकिन यहाँ पर हम हमारा टाइम वेस्ट क्यों करें, जब हमें एक बार में नहीं आया आंसर, एक बार और आप ट्राई कर सकते हैं, अगर कम टाइम लग रहा है तो आपने ट्राई कर लिया फिर भी नहीं आया तो इसको स्किप कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि इन क्वेश्चनों को टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, आपके गलत ही होंगे, ठीक है, गलत होंगे या मिसप्रिंट है, तो फिर आपको क्या है, इसका आगे तो नंबर आपको बाद में मिल ही जाएगा, तो हम इसमें यहाँ पर क्यों टाइम वेस्ट करें हमारा। तो देखिए, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट इन क्वेश्चनों में नहीं करना है, और जो क्वेश्चन लग रहे हैं कि इनमें टाइम लगेगा तो उनको आपको बाद में समय देना है, एक्स्ट्रा जो आपके पास टाइम बचेगा आप उसमें उन क्वेश्चनों को कीजिए, पैराग्राफ आपने जो छोड़े हैं आप उन्हें कीजिए, जिससे आप मतलब एक फ्रेश माइंड से फिर बाद में आप दे पाएँ, एक टेंशन फ्री होकर दे पाएँ, जिससे कि आपके आंसर भी जल्दी आ जाए। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं आप उन्हें बाद के लिए छोड़ दीजिए, कुछ क्वेश्चन एक बार में नहीं आए तो उन्हें बाद के लिए, एक बार में आपने पढ़ा समझ में नहीं आया, दूसरी बार पढ़ा समझ में नहीं आया, तो आप उनको बाद के लिए छोड़िए। अगर आप बाद में फिर जैसे सारा पेपर होने के बाद अगर फिर से उन क्वेश्चन पर आप आएंगे तो आपको वो क्वेश्चन माइंड आपका फ्री रहेगा, और उस टाइम अगर आप उन्हें फिर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपसे वो क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो एक ही बार में मत कोशिश कीजिए, उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, दूसरे क्वेश्चन पर जाइए, फिर बाद में उन पर वापस आएंगे आप तो आपको ये आ जाएंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से आपका पेपर सॉल्व कर सकते हैं, और आपको प्रैक्टिस जो करनी है OMR सीट पर करनी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम ले सकती है आपका, अगर आपने इस पर प्रैक्टिस नहीं की तो, ठीक है। OMR सीट लेकर आइएगा एग्ज़ाम के लिए, मतलब आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, मिल जाएगी, तो वहाँ से OMR सीट लेकर आइए और OMR सीट पर ही आप प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि
आप टाइम मैनेजमेंट कर पाए अच्छे से, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाने हैं और पेपर इस तरह से आपको सॉल्व करना है जो मैंने बताया है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर अभी तक आपने बैच ज्वाइन नहीं किए तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, इंग्लिश पेडागोजी में सोशल साइंस, सोशल स्टडी, चाइल्ड डेवलपमेंट, DVS सभी की क्लासेस मिलने वाली है। वीडियो डाउनलोड फैसिलिटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर और अनलिमिटेड टाइम आप एक क्लास देख सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको इसमें मिलने वाली है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, उन पर कॉल करके भी आप ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी की लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू वेरी मच।